हाथरस हादसे के 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बाबा नारायण हरि का अब तक नहीं पता चला है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसे लेकर उसके रहस्य लोक का एक एक सच आरोपों के रूप में सामने आ रहा है। बाबा जी हमारे आत्मा के पति, ये पाखंडी बाबा का ये, या इनको जो बिना पढ़े लिखे जो हैं वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं। नारायण साकार हरि के रहस्य लोक की मायावी लीला। सदा लड़कियों से घिरा रहता था नारायण साकार हरि। लड़कियां बाबा सूरजपाल को मानती थी अपना पति। बाबा के चश्मे में लड़कियों को दिखते थे भगवान। बाबा को पसंद है सफेद और लाल रंग। लड़कियों के हाथों में थी बाबा की कमान। हाथरस के जिस बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों की जान गई, ये उसी बाबा को लेकर लोगों की गवाही। केवल लड़कियां ही आसपास क्यों रहती थी हमेशा? लड़कियां ही रहती थी, कुआरी ब्याई जो अनपढ़ लड़कियां वो गुरनाम लेती, वो लेडीज जो मतलब उनमें अंधविश्वास ने एक भी भीतर ना हुई ऐसा हो। अलवर की कुछ महिलाओं ने बाबा सूरजपाल पर गंभीर आरोप लगाए। अब तो बाबा की नियत पर सवाल उठा रही, उसकी करतूतों को लेकर गवाही दे रही। बाबा सूरजपाल खुद तो सामने नहीं आया, लेकिन महिलाएं उसके आश्रम में दफन राज बता रही हैं। जग जाहिर कर रही हैं उसके आश्रम में क्या क्या होता था। यहाँ लोग आते थे, कैसा माहौल होता था, क्या मैंने देखा है ऐसा माहौल हो। लड़कियां गहने कपड़े पहन कर नाचती और बाबा के पास कूद कूद कर उन्हें जाली जंगलान ने और पहुंच जाती। हादसे के बाद से बाबा नारायण साकार हरि गायब, उसे SIT ने बेगुनाह मान लिया है। लेकिन अलवर की महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। महिलाओं के आरोप हैं कि सूरजपाल हमेशा कुंवारी लड़कियों से घिरा रहता था। सत्संग के दौरान लड़कियों को आयोजन समिति की तरफ से लाल रंग की विशेष ड्रेस दी जाती थी। लड़कियां उस ड्रेस में तैयार होकर सत्संग में आती थी। लड़कियों को सूरजपाल चश्मे में भगवान का रूप दिखाता था, वो केवल सत्संग के दौरान ही चश्मा पहनता था। बाबा की एक आवाज पर लड़कियां कुछ भी करने को तैयार रहती थी। ऐसा कहते थे साथ जहां भी जाते थे 9 देवियां रहती थी, महिलाओं को केवल रखते थे। क्या औरों को दीक्षा, पुरुषों को दीक्षा नहीं देते थे, वो पुरुषों को ज्ञान नहीं देते थे? महिला ही महिलाओं को देवे, पुरुषों को ना दे, महिला ही ज्ञान ले। यहाँ जब आश्रम में रहे किस तरह का माहौल, कितने हमने तो वो देखे, महासत्संग हुआ उनका बहुत दिन 21 दिन जब गए हम 2-4 दिन जब देखे, हमने तो महिला ही महिला देखी और महिला भी खाली कुआरी लड़की सज धज के जेवरात पहन के लाल वेशभूषा पहन के जब जाती है उसके पास। विशेष विशेष क्या ड्रेस कोड उनका बना हुआ था कि ड्रेस कोड में ही जाना होता? हाँ, ड्रेस कोड ड्रेस में ही जाती, बगैर ड्रेस हमने कोई ये ना घुसन देवे। जो ड्रेस पहन के रहती वो सज धज के वो ही जाती। क्या बाबा के अनुयायी देते थे उनको कपड़े अलग से या खुद खरीदती थी? नहीं, वही देते थे बाबा के, वो बाबा ने खुद ने मंगाए, जो उनकी कमेटी थी बाबा ने मंगाए वही देते, वो खुद नहीं खरीदते। बाबा पर आरोप लगा रही है महिलाएं अलवर की। आज तक की टीम ने बाबा के कार्यक्रम में जाने वाली इन महिलाओं से बात की तो इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। लोगों का ऐसा कहना था कि वो चमत्कार करते थे, तमाम चीजें रहती थी, क्या कहानियों में किस तरह की चीजें, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे से बातें भी करती थी, देखते भी थे आप लोग, क्या रहता था उसमें? ऐसा चश्मान में वो दिखे कृष्ण भगवान चक्रधारी, चश्मान में वैसे खूब बढ़िया रहे दिखे, जैसा आप जैसे मनुष्य, पर वो चश्मान में दिखे चक्रधारी, और उनको लेडी सारी ऐसी दिखे सजी धाजी उन चश्मान में, तो उनने देख कर मुस्कुरावे हो, जबकि उनमें ऐसी कोई अंदर कोई ऐसी बात नहीं, खाली उनमें चश्मान में दिखावे हो। इसीलिए वो क्या हमेशा चश्मे पहनते थे क्या? हमेशा नहीं पहनते थे, जब वहां सत्संग करते है ना, जब लड़कियां आती सज धज कर जब पहनते हो चश्मे। कभी बाबा के अनुरागी रही ये महिलाएं आज बाबा के खिलाफ खुलकर बोल रही। वही आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि बाबा के आश्रम में ही मायावी लीलाएं कैसे पूरी रात चलती थी। रहती थी क्या, इसका क्या रहस्य है? 22 साल की बाबा की सेवा करती थी इस तरीके से बताते हैं, और मतलब रात को 8 बजे के आसपास एंट्री होती थी और सुबह 4 से 5 बजे के आसपास वो निकलती थी। लोग बताते हैं कि 15 से 20 लड़कियां बाबा के साथ हमेशा मौजूद रहती थी। बाबा कहीं आता जाता तो लड़कियां भी उसके साथ आती जाती थी।
लड़कियों का क्या रहस्य है, कुमारी लड़कियां ही हमेशा क्यों रहती थी उनके आसपास? ये तो पता नहीं, पर हमने सुनी है, मैंने मतलब बाबा की गाड़ी के पीछे कई बार काफिले भी देखे, उसमें दो गाड़ी तो हमेशा लड़कियों से भरी हुई रहती थी और वो अंदर ही रहती थी, मतलब काफिला जाता था बाबा का, तो मैंने गाड़ी बाहर से देखा एक दो, कई कम से कम 15-20 लड़कियां तो हमेशा साथ रहती थी बाबा के, केवल उन्हीं को अंदर एंट्री मिलती थी। हाँ, अंदर अंदर वो बाबा के साथ गाड़ी से जाती है, बाहर बाबा गाड़ी जाती तो बाबा बाहर। लोगों के आरोप गंभीर है लेकिन बाबा अपनी चुप्पी साधे हुए है, वो गायब। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, अब कई राज हैं जो धीरे धीरे वक्त के साथ बेपर्दा हो रहे हैं। देखिए अर्पिता, 2 जुलाई की घटना के बाद जब बाबा सामने आया, किस तरीके से पूरी घटना हुई और उसके बाद से बाबा अंडरग्राउंड है, सामने नहीं आ रहा, लेकिन एक के बाद एक राज जो है उसके खुल रहे हैं। किस तरीके से वो अलवर के अंदर एक आश्रम जो है उसने बना रखा था और आश्रम के अंदर वो महिलाओं से घिरा रहता था, किस तरीके से महिलाएं जो है वो सीधे तौर पर बता रही हैं कि बाबा या किस तरीके के शौक जो है वो रखता था, उनके जो कमेटी के लोग थे वो महिलाओं को बाकायदा ड्रेस कोड दिया करते थे, इस तरीके के आरोप जो है वो बाबा पे लग रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर बाबा जो है वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार SIT की जो रिपोर्ट है उसमें बेशक बाबा का कहीं नाम ना हो, लेकिन परत दर परत जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे जो है वो बाबा को लेकर के लगातार हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बाबा की जो चुप्पी है वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे को और ज्यादा बढ़ा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं 2 दिन पहले SIT ने हाथरस हादसे पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस रिपोर्ट में बाबा के नाम का जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, हादसे के पीछे बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया गया है। नौ दिन बाद भी बाबा अंडरग्राउंड, कहां है बाबा नारायण उर्फ सूरजपाल? 121 मौत के बाद क्यों छिपा है बाबा नारायण साकार हरि? वो बाबा क्यों सामने आने से बच रहा है? SIT की रिपोर्ट में बेगुनाह बाबा क्यों गायब है? अनुयायियों की आस्था ऐसी कि वो बाबा के आश्रम पर अभी भी मत्था टेकते हैं, श्रद्धा ऐसी कि सूरजपाल उनके लिए भगवान है, लेकिन वो अपने भक्तों की मौत के बाद भी अब तक छिपा हुआ है। अभी तक उसने सिर्फ वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है, भगदड़ को साजिश बताया है। छवि शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी वो बख्शे नहीं जाएंगे। 2 जुलाई को हुए हादसे की जांच के लिए SIT गठित की गई, उसने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन SIT को बाबा की कोई गलती नजर नहीं आई। उस रिपोर्ट में बाबा का नाम तक नहीं। 121 लोगों की मौत का ठीकरा आयोजकों पर फोड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अनुमति से ज्यादा भीड़ कार्यक्रम में पहुंची थी, वही मंजूरी देकर मौके का मुआयना नहीं करने वाले अफसरों को जिम्मेदार बताया गया। हादसे के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई गई। बाबा के अनुयायी उनके चमत्कार का दावा करते हैं, ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन पर भी बाबा की चमत्कारी शक्तियां काम कर रही हैं? एक भक्त ने तो आज तक के कैमरे पर भी ये बात कबूल की कि बाबा प्रशासन की इजाजत से बाहर नहीं आ रहे। ये भक्त इशारा भी देता है कि बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में ही है, परमिशन के साथ ही आते हैं, बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जाते हैं, या भी प्रशासन की परमिशन के हिसाब से रुके हुए हैं जहां भी रुके। सवाल है कि क्या भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि ने सारी सेटिंग कर ली है कि उसके सेवादारों पर चाहे जितने केस लगा दो, लेकिन बाबा पर ना कोई FIR होगी ना कोई सवाल होना चाहिए। 2 जुलाई को जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है, और जिनके आस्था के केंद्र बिंदु बाबा जी हैं, भोले बाबा हैं, और उनका नाम कहीं SIT में नहीं है, कहीं FIR में नहीं है, तो बाबा आखिर उन भक्तों के बीच आ क्यों नहीं रहे हैं, जनता के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग मरे हैं उनके वक्त थे,
और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे मरे हैं और उन पर दुख व्यक्त तक नहीं किया उन्होंने। और निश्चित रूप से ये जो जांच हो रही है और बाबा के नाम पर ये सारे लोग एकत्रित हुए थे, सारे विपक्षी हमलावर हैं, सारे लोग, और कहीं उनका नाम नहीं है, फिर बाबा को भय क्या है जो बाबा जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे और उनके प्रति संवेदना व्यक्त क्यों नहीं कर रहे। अब बाबा के भक्त भी ये दावा कर रहे हैं कि वो कानूनी व्यवस्था की वजह से सामने नहीं आ रहे, अगर वो सामने आए तो फिर भगदड़ मच सकती है। लाइन और ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अभी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सामने आने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए, लाखों लाखों के उनके अनुयायी वो एक साथ आ जाएंगे और भगदड़ मच जाएगी फिर, इसलिए सामने नहीं आना चाहिए अभी। लेकिन बाबा के वो भक्त भी हैं जो 2 जुलाई को सत्संग में गए और उन्होंने अपनों को खो दिया, आज बाबा के खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है। भी बहुत कम था उसमें, और सबसे बड़ी कमी थी बाबा की, समझिए सबसे बड़ी कमी थी बाबा की, क्योंकि उसे दिख नहीं रहता कि जनता में इतना तंबू तनवाया, इससे बाहर जा रही है जनता, तो कम से कम बढ़ रही है ना, तो इसके लिए जब तेरे सेवादार इतने तो थोड़ी और सुरक्षा बढ़ा देता। माँ कोई सुरक्षा नहीं थी, माँ आदमी कुछ तो ऑक्सीजन के मारे मरा है, उसे हवा नहीं मिली है, किसी को पानी नहीं मिला है, ऑक्सीजन। बाबा को जिम्मेदार कितना मानते? पूरा ही जिम्मेदार है बाबा। अब जिस दिन से माँ की मृत्यु देगी, किसके सत्संगों कर गई, मैंने वो भी तोड़ के फेंक दिया, अब मैं किसी को नहीं मानती। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार हाथरस में हुई भगदड़ पर सवाल उठा रही है। हादसे के दिन मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और संवेदना जाहिर करते हुए जांच और मुआवजे की मांग की। हादसे के 4 दिन बाद एक पोस्ट लिखा और तब सूरजपाल के पाखंड पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की और फिर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद लिखा कि सूरजपाल को क्लीन चिट देना दुखद भी है और चिंताजनक भी। लेकिन मायावती के सवालों पर बाबा के वकील एपी सिंह अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नारायण साकार हरि भोले बाबा के लिए जो वक्तव्य उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी ने दिया है, काफी दुखद है, मन को दुखित करता है, और वास्तव में ये उनकी धारणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की विश्वास न करने वाली बात है। और साथ में ये दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज था, गरीब मजदूर परिवार थे, क्या उन्हें आस्था, श्रद्धा और विश्वास के लिए अधिकार नहीं है? क्या अपनी भक्ति भाव नहीं कर सकते हैं? क्या समागम नहीं कर सकते हैं? ऐसी सियासत और सवालों के बीच सूरजपाल के रिश्तेदार भी सामने आए। पहली बार सूरजपाल की पत्नी प्रेमवती के भाई मेवाराम ने आज तक के कैमरे पर बड़ा खुलासा किया। बाबा के साले मेवाराम वो बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि अपने सेवादारों से लगातार संपर्क में है, बाबा अपने राजदारों से फोन पर बात कर रहे हैं, बाबा सूरजपाल कहीं भागा नहीं, अपने आश्रम में है, उसको साजिश के तहत फंसाया गया है, बाबा के लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। बाबा जी 35 मिनट पहले चले आए थे, तक बाद कांड हुआ ये। अब ये जो कांड हो गया है, अब आपको लगता नहीं है कि अब बाबा जो है वो सामने आए, अपनी बात जो है वो रखें, भक्तों से मिले, क्यों वो छुप रहे हैं? या वो फोन जिस किसी के बात हो रही है उनसे सबसे हो रही है, जितने सेवादार हैं उनसे बात हो रही है, उनकी सब बात है। अब कहाँ मालूम कहाँ से हो रही है, कैसे मालूम। आपकी बातचीत हुई? नहीं, मैंने फोन ही नहीं बातचीत किया, फोन नंबर नहीं है हमारे पास। आपसे मुलाकात होती है वैसे जब भी आप? नहीं, खास मुलाकात है सत्संग, जब कोई जाते हैं सत्संग करते हैं चले आते हैं, हम जाएंगे भीड़ काफी होती है, भीड़ पहुँच ही ना पाते। बाबा भले ही खुद को बेगुनाह बता रहा हो, उसके भक्त भले ही उसमें आस्था जता रहे हो, लेकिन 121 मौतों के कई ऐसे राज और कई ऐसे आरोप हैं जिसका जवाब सिर्फ बाबा ही जानता है। सुशांत मेहरा, मैनपुरी, आज तक।